सुमन यादव जी, आपका क्या नाम है? रचना द्विवेदी। रचना द्विवेदी, प्रसन्न है अब? जी बहुत। इस खुशी को आप शब्दों में व्यक्त कर पाएंगे? कितना खुश हैं? कर तो पाएंगे लेकिन बहुत ठंड लग रही है। खैर ठंड बढ़ रही है, लेकिन बात यह है कि 22 तारीख जितना नजदीक आ रही है, ठंड का असर दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों के अंदर जो उत्साह है, जागृत हुई है, ठंड नहीं लग रहा है बिल्कुल। और वैसे भी हम लोग 22 तारीख के लिए बहुत सारी तैयारियां कर चुके हैं। अच्छा एक चीज बताए, आप यहीं के रहने वाले हैं, राम मंदिर के पहले कैसी अयोध्या थी, राम मंदिर बनने के बाद कैसी अयोध्या हुई? देखिए अयोध्या तो एकदम बदल गई है, ये बात सत्य है। और वैसे भी जब किसी चीज का विकास नहीं होता तो वो कैसा रहता है? उबड़ खाबड़ ही रहता है। तो वैसे हमारी अयोध्या पहले उबड़ खाबड़ थी, अभी राम मंदिर बन रहा है और बहुत सारी चीजें बन रही, इन सब का निर्माण हुआ है तो अच्छा लग रहा है। मतलब दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने। त्रेता युग में वापसी हुई अयोध्या की? हाँ, ये बात तो सच है, है? ये त्रेता युग की अयोध्या हो चुकी है। त्रेता युग की अयोध्या होगी, इससे पहले अयोध्या नाम की थी। हाँ। लेकिन मंदिर बनने के बाद त्रेता युग, हम लोग जो कल्पना करते थे अब वो साकार हो गया, हम लोग साक्षात देख रहे हैं उसको। हाँ। कभी आपने सोचा था कि हमारे जीवन काल में अयोध्या का राम मंदिर बन पाएगा? जी सोचा तो था कि बन जाएगा, लेकिन अब बन गया है बस वो सोच ही। ऐसा लगता है सपना, बिल्कुल सपने में। वही तो कहा मैंने कि जो कल्पना किए थे हम लोग, अब वो साकार हो गया, अब वो साकार हो रहा है। अच्छा एक चीज और है, क्या ही राम मंदिर से अयोध्या का विकास, लोगों को रोजगार मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अयोध्या लोग चुनाव जीतने के लिए अयोध्या राम मंदिर बनाया जा रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। ये कोई बात नहीं है, हमारे इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी मंदिर हैं और सबसे बड़ा धर्म है अयोध्या। अयोध्या का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान अयोध्या का, और अयोध्या में ही राम मंदिर नहीं है। सोचने कितनी दयनीय दशा थी, ठीक है। हाँ, और अगर राम मंदिर बन रहा है तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई की बात है। ओवैसी साहब का नाम सुना आपने? ओवैसी साहब हैदराबाद के जो सांसद हैं AIIM के। जी नहीं। खैर नहीं, उन्होंने बोला कि बाबरी मस्जिद अभी हमारे दिल में जिंदा है और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक लोगों को बताते रहेंगे कि बाबरी मस्जिद की बलिदान दे दिया। तो लोगों ने उन्हें क्या बोलना चाहिए? उनको क्या ही बोलना चाहे, अज्ञानी लोग को क्या ही बोल सकते हैं। अच्छा जी, मतलब अज्ञानी है वो? बिल्कुल है। नहीं बिल्कुल है, चाहे तो क्षुद्र मानसिकता है उनकी। मानसिकता। अच्छा एक चीज और है, अभी एक विधायक जी हैं, उनका कहना है कि मंदिर से किसी एक समाज का ही भला हो सकता है, चौमुखी विकास नहीं हो सकता। नहीं, तो नहीं, क्या चौमुखी लगता? विकास है। हाँ। क्यों नहीं? है चौमुखी। किस प्रकार? देखिए जैसे अब राम मंदिर बन रहा है तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी खुल रही है, बहुत सारे मतलब ठेले वगैरह या कोई भी चीज छोटी छोटी मान लो, तो अब लोग पर्यटक आएंगे तो खरीदेंगे खाएंगे, कपड़ों की दुकान है तो खरीदेंगे पहनेंगे, तो क्यों नहीं विकास हो रहा है? हर चीज में विकास हो रहा है। और मान लीजिए जो बना रहे हैं, जो भी श्रमिक लोग बना रहे हैं, उनको पैसा ही तो मिल रहा है, तो क्या उस चीज से विकास नहीं हुआ? एक बात बताइए, हम देखे हैं दिल्ली में इतने बड़े बड़े पार्क वगैरह बने हैं, तो उससे क्या विकास हुआ? कुछ नहीं ना। तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि राम मंदिर बन गया तो लोग इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और आ रही है, कभी कांग्रेस के और सपा के नेता बोल रहे थे हमें इनविटेशन कार्ड नहीं मिला मंदिर के लिए, तो क्या लगता है भगवान राम के लिए आमंत्रण आना जरूरी था उन लोगों को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो श्रद्धा होनी चाहिए, हर कोई आ सकता है, इसमें आमंत्रण और निमंत्रण की क्या बात है? अच्छा अब उन्हें आमंत्रण मिला है तो आ नहीं रहे हैं। देखिए भारत कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, सपा का भी है, ठीक है। तो वैसे भी राम भी जो है सबके हैं, भगवान भी सबके हैं, तो सबको आना चाहिए। ये हमारे साथ कुछ लोग अयोध्या के निवासी थे और यहाँ पर आए हैं घूमने, उन्होंने बताया कि भगवान राम मंदिर, और दूसरी बात ये कि ये कि राम मंदिर नहीं बनी थी तब अयोध्या कैसी थी, वर्तमान में चारों तरफ जगमगा रही है, ऐसा लग रहा है कि सच में त्रेता युग बहुत अच्छा लग रहा है। त्रेता युग में कई बार होती है, कई सारी खुशियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। हाँ, मन प्रसन्न है, आनंदित है, गदगद है, बिल्कुल बहुत खुश है, बहुत बढ़िया। पहले सुनते थे हम लोग कि राम मंदिर बनेगा तो ऐसे प्रसन्नता होती थी मन में कि मतलब क्या नजारा होगा, कैसे क्या होगा, लेकिन अब जो सपना देखा था वो साकार हो रहा है, तो बहुत खुशी हो रही, बहुत ज्यादा बहुत खुशी हो रही। तो ये सारी चीज थी काशी हमारी वार्ता, कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं जयप्रकाश चंद्र की जय।